पता चले दूर वाले छोर से राय दार मोहम्मद विकेट दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ऊंचा मारा है विकेट के ऊपर एक रन दौड़ के पूरा किया। दूसरे की कॉल है और दो रन आसानी से पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। इन्हीं दो रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन दो विकेट के नुकसान पर अभी तीसरा ओवर प्रगति पर। एक बार ये बढ़िया गेंद एक ओवर पर शॉट खेला है एक रन और अगर धुआंकोट का कोई भी गेंदबाज विकेट लेता है तो पर विकेट 100 रुपए। राहुल भाई धुआंकोट की तरफ से कैच पकड़ता है तो 100 रुपए रन आउट करता है तो 100 रुपए तो इनाम फल आयोजन के लिए। और ये भाई आगे बल्लेबाज के लिए नीचे रही थी गेंद और लाइन की और इस तरह की गेम खेलने के लिए मशहूर हमारे भारतीय क्रिकेट में कैप्टन कूल के नाम से जाने जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी हेलीकॉप्टर मारते थे इसी गेंद को। और चारों तरफ दर्शक मौजूद कुलतंदा स्टेडियम में दूर दूर से दर्शक आए हुए और ये दिशाहीन गेंदबाजी है वाइड बॉल का इशारा लेग स्टंप के बाहर फेंक हुई बॉल थोड़ा सा इस बार दिशा से भटके हैं राजा। सबसे ज्यादा दर्शक स्विट्जरलैंड से कुलतंदा में और इस बार ये बढ़िया गेंद पड़ने के बाद नीचे रही थी पढ़ नहीं पाए थे बल्लेबाज और जाने दिया विकेट कीपर के लब्जे में। और इस बार बड़ा शॉट है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर मारा है और 6 रन और सुदर्शन नैनडाणा पोस्ट ऑफिस में क्लर्क हैं तो अगर धुआंकोट मैच जीती है तो 6,500 रुपए उनकी तरफ से इनाम दिया जाएगा धुआंकोट की टीम को। तो धुआंकोट के लिए इनामों की बौछार राजा चले दूर वाले छोर से हल्के हल्के कदमों से राइट आर्म ओवर द विकेट बाय आपके बल्लेबाज के लिए और ये बढ़िया गेंदबाजी बैठ गए बैट्समैन समझ नहीं पाए गेंद को छोर से हल्के हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस करते हुए लेफ्ट आर्म पर आउट स्टंप ये थर्ड विकेट का शॉट खेला है और एक हाफ थ्रो है लेकिन तब तक एक रन पूरा कर चुके थे। तो जैसा कि राहुल का धुआंकोट के लिए 100 रुपए विकेट पे 100 रुपए कैच पे 100 रुपए रन आउट पे तो कॉन्फिडेंस काफी हाई यहां पे धुआंकोट की टीम का। कमलेश छोर बदलते हुए शायद लेफ्ट आर्म है तो राउंड और इस बार ऊंचा खेला है और बढ़िया क्षेत्र रक्षण का प्रयास वहां पे थोड़े से दूर रहे टूर्नामेंट ये चिटोली में और लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट भाई आज के बल्लेबाज का इस बार सीधा मारा है गेंद के नीचे मौजूद है तीसरा झटका लगा नलाई की टीम को और काफी खुश धुआंकोट के समर्थक धुआंकोट के क्षेत्र रक्षक कमलेश गेंदबाजी का भाग लिए धुआंकोट के लिए और उधर मनोज भाई ने कैच पकड़ा था तो 100 रुपए के हकदार हैं धुआंकोट के राहुल भाई की तरफ से सॉरी लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट ही गेंदबाजी करेंगे। कमलेश चले दूर वाले छोर से हल्के हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज को लिए बल्ला जरूर अड़ाया लेकिन बढ़िया गेंदबाजी ये पड़ने के बाद नीचे रख रहे हैं गेंदों को जानते हैं कि टप्पा खिलाएंगे तो छक्का खाएंगे। चले लेफ्ट आर्म ओवर दाहिने बल्लेबाज को पटकी गेंद फाइनल की तरफ शॉट खेला है एक रन दौड़ के पूरा किया दूसरे की मांग है मना किया यहां से मनीष ने और थोड़ा सा अग्रेसिव वहां पे रमेश विकेट कीपर और ये देवी गौड़ मेमोरियल प्रतियोगिता द्वितीय प्रतियोगिता जिसके आयोजन में बलदेव गौड़ और समस्त गौड़ परिवार सभी का धन्यवाद। तुमने चले लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट मेरे ख्याल से दिशाहीन गेंदबाजी और वाइड बॉल का इशारा कमलेश चले लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट ये सीधा मारा है और पीछे कैच लेते हैं 100 रुपए के आधार फिर से वहां पे क्षेत्र रक्षक और चौथा झटका लगा नलाई क्लब नलाई को
तो बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन धुमाकोट के को देते हैं धुमाकोट के टीम कप्तान पंकज। उनके स्पेल का है दूसरा और टीम के लिए पांचवां ओवर लेके आए हैं पंकज। थोड़ा सा क्षेत्र रक्षण में परिवर्तन मनोन का चले दूर वाले छोर से पांच ओवर की पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट और ये हाथ पे गेंद रोक दी थी कोई गेंद नहीं। एम्पायर दोनों छिटोली समिति के श्री केशव गौड़ जी अभिषेक विश जी और ये बढ़िया गेंदबाजी है सिंगल चुराने की कोशिश है रन आउट का खतरा हो सकता है सुरक्षित दोनों बल्लेबाज क्रीज पे एक रन जरूर मिला। पंकज तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट अरे फुल टॉस गेंद एक रन चुराया दोनों बल्लेबाजों ने ब्रेक हिट मारने की कोशिश वहां पे क्षेत्र रक्षक की बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन पांचवा ओवर प्रगति पर चार विकेट खो चुकी है नलाई क्रम नलाई थोड़ी सी मुश्किल में नलाई लेकिन मनोज बल्लेबाजी कर रहे हैं देखना है कि कहां तक अपनी टीम को ले जा पाते हैं मनोज। पंकज चले दूर वाले छोर से राइट आर्म ओवर द विकेट दाहिने हाथ के बल्लेबाज के ऊपर की गेंद है मिड विकेट पे मारने की कोशिश जरूर थी लेकिन जैसा मैं कह रहा था कि पहाड़ों में मैच करवाना आसान नहीं होता है प्राकृतिक आपदाएं लगी रहती हैं तो एक रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को केकल मोशन पैर को क्रॉस करते हुए और ये पड़ने के बाद थोड़ी सी नीची गेंद रही थी समझ नहीं पाए थे बल्लेबाज कहां गेंद कहां बल्ला और जाने गया विकेट कीपर रमेश के क्लब्स में मेमोरियल द्वितीय प्रतियोगिता जिसके आयोजक हैं बल्दे हल्के हल्के कदम से अंपायर को क्रॉस करते हुए धन्यवाद के बल्लेबाज के लिए और ये बढ़िया गेंद पड़ने के बाद नीचे रही थी मुकाबला टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला फाइनल मुकाबला पंकज चले दूर वाले छोर से राइट आर्म ओवर द विकेट फुल टॉस बॉल फाइनल की तरफ शॉट खेला है एक रन मिलेगा और नो बॉल का इशारा है और ये फ्री हिट होने चाहिए बल्लेबाज के लिए तो मनोज कहां तक फ्री हिट का फायदा ले पाते हैं देखना है। पंकज दूर वाले छोर से राइट आर्म ओवर द विकेट ये ऑफ स्टंप के काफी बाहर फेंकी हुई गेंद और वाइड बॉल का इशारा फ्री हिट अभी भी मनोज के लिए बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन पांच ओवर प्रगति पे चार विकेट के नुकसान पे नलाई कलम नलाई। मनोज चले दूर वाले छोर से राइट आर्म ओवर द विकेट दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए और ये बढ़िया गेंदबाजी बढ़िया वापसी मैदान पर गोटेगा और टीम के लिए छठा ओवर करवाएंगे अमित राइट आर्म राउंड स्टंप ये विकेट कीपर के ऊपर शॉट खेला है एक रन जरूर मिलेगा नलाई की टीम को दूसरे की मांग वहां पे लेकिन मना किया यहां से मनोज ने। अमित चले राइट आर्म राउंड और ये कवर पे शॉट खेला है सूझबूझ भरी बल्लेबाजी अभी तक आवश्यकता एक साझेदारी की और बड़ी साझेदारी की नलाई कलम नलाई को दो बल्लेबाज ऐसे हों कि जो विकेट पे बने रहे क्योंकि चार महत्वपूर्ण बल्लेबाज हमने देखा था पिछला जो सेमीफाइनल का मुकाबला हुआ था 200 रन बनाए थे यहाँ पे नलाई ने और इस बार लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद जा रही है खिलाड़ी बॉल के पीछे और दो रन आसानी से दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के पूरे किए। सभी दर्शक यहाँ पे मौजूद है राम सभा छिनो लेके ये बड़ा शॉट खेला है बल्लेबाज ने बाउंड्री लाइन के बाहर है 6 रन के लिए अमित एक बार फिर से सामने है रितेश तूफानी बल्लेबाज नलाई क्लब नलाई के लिए ये पटकी हुई गेंद थी बल्ला जरूर अड़ाया है रमेश के हाथ से गेंद छटकी दूसरे की मांग है यहाँ पर रन आउट का खतरा जरूर है डायरेक्ट हिट अगर होती है तो लेकिन सुरक्षित दोनों बल्लेबाज क्रीज पर रितेश के लिए ये बढ़िया लाइन की गेंद है योर का लेंथ पे फेंकी हुई बॉल एक रन जरूर चुराया दोनों बल्लेबाजों ने बढ़ता हुआ स्कोर 53 रन चार विकेट के नुकसान पर नलाई क्रम नलाई छठा ओवर प्रगति पर रमेश के हमारे स्कोरर बड़े खुश होते हैं इनसे
रमेश चले इस बार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए पड़ती हुई गेंद और पड़ नहीं पाई थी बल्ले पे, ये सातवां ओवर है। रमेश राइट आर्म ओवर द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए इस बार लॉन्ग ऑन को ऊपर मारा है और बाउंड्री लाइन के बाहर छह। रितेश फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए पड़ने के बाद नीचे रही थी और पांचवा झटका लगा नलाई क्लब नलाई को, पवेलियन जाना होगा यहां पे रितेश को। तो पूरे टूर्नामेंट में हमने बढ़िया गेंदबाजी अभी तक यहाँ पे देखी है धुमाकोट की और फाइनल में भी वही करती हुई यहाँ पे धुमाकोट की टीम। हल्के हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए मिड विकेट के ऊपर ऊंचा शॉट मारा है, नो बॉल का इशारा। तो इस गेंद पे सात रन मिलेंगे और ये बल्लेबाज के लिए फ्री हिट है नवीन, फ्री हिट है नवीन के लिए। रमेश चले दूर वाले चौथे राइट आर्म ओवर द विकेट, चौचा मारने की कोशिश है, रन आउट का वहां पर चांस है, बढ़िया क्षेत्र रक्षण रमेश के द्वारा। रमेश एक बार फिर से हल्के हल्के कदमों से दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए बढ़िया गेंद है, बढ़िया वापसी मैदान पर रमेश की, पड़ने के बाद नीचे गए और पड़ नहीं पाए बल्लेबाज, बढ़िया जा रहा है। एक बार फिर से हल्के हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, उड़ाने की जरूरत कोशिश ना होता खतरा वहां पे आती है और करार दिया गया मनोज, छक्का झटका लगा नलाई क्लब नलाई को। तो बढ़िया क्षेत्र रक्षण, खराब तालमेल दोनों, थ्रो ओवर टीम के लिए आठवां ओवर, राइट आर्म ओवर द विकेट, बढ़िया गेंदबाजी है, पढ़ नहीं पाए बल्लेबाज। एक बार फिर से राइट आप ओवर द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए फाइनल लेग के ऊपर मारा है और ये छह रन। तो इसी तरह की बल्लेबाजी ही करनी होगी, यहां से 12 ओवर का मैच है, नलाई क्लब नलाई ध्यान दें, 6 विकेट आप 6 बल्लेबाज आपके पवेलियन बैठ चुके हैं। हल्के हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट पड़ती हुई गेंद की टप्पा जिसको हम कहते हैं, लेकिन बल्लेबाज के बल्ले पे चाहिए नहीं, जाने दिया विकेट कीपर के ग्लव में, छोर से धुमाकोट के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट। ये फिर से बढ़िया गेंद है और ये गेंदबाज का सबसे बड़ा हथियार होता है और इस हथियार को बड़े अच्छे से खेलते थे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जी। क्रिकेट की बात हो, महेंद्र सिंह धोनी का नाम ना आए तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये खराब गेंदबाजी है, वाइड बॉल का इशारा। सबसे बढ़ता हुआ स्कोर धुमाकोट, एक बार फिर से ये फिर से बढ़िया गेंद है, बढ़िया वापसी, एक छक्का जरूर खाया लेकिन बढ़िया वापसी है मैदान में कमलेश की धुमाकोट के लिए। आठवां ओवर प्रगति पर है, 73 रन 6 विकेट के नुकसान पर नलाई क्रम नलाई। एक बार फिर से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ये फिर से बढ़िया गेंद है, योरकल लेंथ पे फेंकी हुई बॉल, ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति, 73 रन 6 विकेट के नुकसान पर नलाई। सात बल्लेबाज पवेलियन, राजा चले दूर वाले छोर से राइट आर्म ओवर द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ऊंचा जरूर, यहां पर रन आउट का चांस है लेकिन सुरक्षित वापस भेजा ब्रिजराज ने और बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन राहुल क्लब धुमाकोट की तरफ से। राजा हल्के हल्के कदमों से एम्पायर को क्रॉस करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, ये मिड विकेट के ऊपर है और एक रन जरूर दौड़ के पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और एक रन से संतोष। आठ ओवर प्रगति पर अभी, ये सीधा मारा स्ट्रेट, उधर खिलाड़ी मौजूद है और कैच लपके गए
आठवां झटका नलाई क्लब नलाई को, और मुश्किल में यहां पे नलाई क्लब नलाई। बहुत ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण धुमा कोड के द्वारा, जैसा सभी जानते हैं कि 100 रुपए के हकदार बॉलर भी क्षेत्र रक्षक भी, पर कैच 100 रुपए है, पर विकेट 100 रुपए है। तो राजा और यहाँ पे रोक के खिलाएंगे इनको, जानते हैं कि अब मुश्किल में है टीम थोड़ा। ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति पर 75 रन, 7 विकेट 8 विकेट के नुकसान पर नलाई। ओवर चले राइट आर्म राउंड ऑन, और ये बढ़िया गेंदबाजी है, पढ़ने के बाद नीचे रही, पढ़ नहीं पाए थे ब्रिजराज, और जाने दिया विकेट कीपर के ग्लव्स में। 75 रन रुका हुआ स्कोर, नलाई क्लब नलाई। 10वां ओवर प्रगति पर है, अमित गेंदबाजी का भार लिए धुमाकोट के लिए एक बार फिर से हल्के हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये बढ़िया गेंद है, जैसे मैं बता रहा था कि सबसे बड़ा हथियार ये होता है राइट आर्म राउंड, और ये मिड विकेट के ऊपर उड़ाने की कोशिश है, एक रन जरूर मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। और पहाड़ों में मैच है, प्राकृतिक आपदाएं लगी रहती है, अगर ग्राउंड पे शॉट मारते तो शायद 4 रन मिल सकते थे, लेकिन दूसरे की मांग यहाँ पे। और इस गेंद पे कितने रन लिए गए अंपायर, 2 रन। धुमाकोट के लिए राइट आर्म राउंड द स्टंप, ये खराब गेंद थी, दिशा से भटके लेकिन स्टंप के बाहर फेंकी हुई बॉल, वाइड बॉल का इशारा। और पटोटिया की तूफानी बल्लेबाज कमेंट्री बॉक्स के नजदीक सौरभ शाह, एक बार फिर से दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, इस बार लोग उनके ऊपर उड़ाने की कोशिश जरूर की है, और 4 रन के लिए जा रही है गेंद। तो ये बढ़िया शॉट बल्लेबाज बृजराज के द्वारा, अमित चले दूर वाले छोर से राइट आर्म राउंड द विकेट, इस बार फिर से ऊंचा पाने की कोशिश, खिलाड़ी वहां मौजूद, एक रन दौड़ के पूरा किया, दूसरे की मांग है, दूसरे के लिए जाएंगे, और 2 रन आसानी से पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने, इन्हीं 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 84 रन। 10वां ओवर प्रगति पर है, ब्रिजराज बल्लेबाजी का भार लिए नलाई क्रम नलाई के लिए, अमित गेंदबाजी का भार लिए, हेलो गेंदबाज को देख के, ये राइट आर्म ओवर द विकेट है, और ये बढ़िया गेंदबाजी, बल्लेबाज जाने दिया विकेट कीपर के ग्लव्स में, एक बार फिर से दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए सीधा मारा है, स्ट्रेट ड्राइव जिसको बोलते हैं, और एक रन जरूर मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। 85 रन बढ़ता हुआ स्कोर, 9 विकेट के नुकसान पर नलाई। और बल्लेबाज अपना नाम बताएं, महिपाल रमेश चले राइट आर्म ओवर द विकेट दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, ये बढ़िया गेंदबाजी है। अभी भी 10 गेंदें फेंकी जानी बाकी है, धुमाकोट की तरफ से तो रमेश तैयार है, दूर वाले छोर से पैर को क्रॉस करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस बॉल है, यहां पे कैच उठाई हवा में, और कैच लपके गए, और हो रहा है यहां पे मिलाई की 86 रनों की दरकार ये मैच जीतने के लिए, और बढ़िया गेंदबाजी। जैसा मैं कह रहा था कि बल्लेबाजों को 12 ओवर खेलने के लिए जाना होगा, लेकिन जल्दबाजी दिखाई यहां पे नलाई क्लब नलाई ने,